नमस्कार, आप देख रहे हैं देश को जवाब दो। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। राहुल गांधी ने विदेशी धरती से एक बार फिर मोदी सरकार पर हमला बोला है। राहुल ने इस बार लंदन की धरती से बीजेपी और आरएसएस पर गंभीर आरोप लगाया। राहुल गांधी ने भारत की तुलना पाकिस्तान और श्रीलंका से करके सियासी चिंगारी भड़का दी। राहुल गांधी ने लंदन में आइडियाज फॉर इंडिया सम्मेलन के मंच से कहा कि बीजेपी ने देश में किरोसिन छिड़क दिया है, बस एक चिंगारी भड़कने भर की देर है। राहुल गांधी ने कहा कि भारत का लोकतंत्र खतरे में है और संवैधानिक संस्थाओं पर हमले किए जा रहे हैं। वहीं बीजेपी ने राहुल गांधी पर जोरदार पलटवार किया है। देश को जवाब दो में आज हम इसी मुद्दे पर कुछ अहम सवाल खड़े कर रहे हैं। जल्दी से देखिए वो सवाल। सवाल नंबर एक, केरोसिन सियासत से देश में क्या आग लगाने की कोशिश की जा रही है? सवाल यह कि हिंदुस्तान में चिंगारी भड़काना चाहते हैं राहुल गांधी? सवाल यह भी कि विदेश जाकर बार बार देश का अपमान क्यों करते हैं? इसके साथ सवाल यह भी कि मोदी विरोध में भारत को क्या बदनाम करेंगे राहुल गांधी? चीन पाकिस्तान की जुबान क्यों बोल रहे हैं राहुल गांधी? तीनों कुछ सवालों के साथ देश को जवाब दो की शुरुआत करेंगे। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन शुरुआत इस रिपोर्ट के साथ। राहुल गांधी ने विदेश जाकर एक बार फिर भारत सरकार पर सवाल उठाए। इस बार राहुल गांधी ने इंग्लैंड की राजधानी लंदन से मोदी सरकार पर हमला बोला। लंदन की धरती से भारत के हालात की तुलना श्रीलंका और पाकिस्तान से कर दी। You could also have a situation where you have an uncontrolled upsurge, which is what we are seeing in Sri Lanka, right? India is not in a good place. राहुल गांधी यहीं नहीं रुके, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी की नहीं सुनते, भारत का लोकतंत्र खतरे में है। Because our prime minister doesn't listen, no bureaucrat thinks he needs to listen. I was talking to some bureaucrats from Europe, and they were saying that the Indian foreign service is completely changed. They don't listen to anything. They're arrogant. राहुल गांधी ने आइडियाज फॉर इंडिया सम्मेलन में बीजेपी और आरएसएस पर बड़े हमले किए। राहुल ने कहा बीजेपी देश में केरोसिन छिड़क रही है, बस चिंगारी भड़कने की देर है। राहुल के केरोसिन बयान को लेकर जबरदस्त सियासी घमासान छिड़ा हुआ है। The BJP has spread kerosene all over the country. You need one spark and we'll be in big trouble. जब भी विदेशी धरती पर जाते हैं कि आज की कांग्रेस पार्टी 84 से लेके अब तक जो मिट्टी का तेल हाथ में लेके चलती है ना, मुझे दिखाओ चिंगारी, मैं डालूंगा मिट्टी का तेल। राहुल के बयान के बाद सियासत काफी गर्म है। ऐसे में सवाल ये है, क्या उदयपुर चिंतन के बाद राहुल को केरोसिन ज्ञान मिला है? क्या राहुल गांधी हिंदुस्तान में केरोसिन कांड कराना चाहते हैं? देश को जवाब दो में आज इसी मुद्दे पर होगी चर्चा। तो चलिए देश को जवाब दो में बहस की शुरुआत करते हैं। अपने मेहमानों से आपको जल्दी से मिलवा देता हूं। हमारे साथ हैं रोहित चहल, बीजेपी के प्रवक्ता। हमारे साथ कपीश श्रीवास्तव है, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। स्टूडियो में हमारे साथ दो मेहमान हैं, प्रेम कुमार जी हैं जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, साथ ही राकेश सिंह जी पॉलिटिकल एनालिस्ट। मैं सबसे पहले प्रेम कुमार जी आप ही के पास आ रहा हूं। राहुल गांधी का यह बयान कि देश में केरोसिन छिड़का जा चुका है, बस एक चिंगारी काफी है, तो मतलब देश खतरे में है, कोई एक चिंगारी मारेगा, हिंदुस्तान, इतना बड़ा हिंदुस्तान जल जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। देखिए, राहुल गांधी ने जैसा कहा और उसके बाद जिन लोगों को मिर्ची लगनी थी लगी है, यही बताता है कि कितनी गंभीर बात उन्होंने कही है। मैं उदाहरण देता हूं, नीमच में एक बीजेपी का पूर्व पार्षद पति एक व्यक्ति को, भंवरलाल को, ये बोलकर मार, पूछ पूछ कर मार डालता है कि तू बताओ तुम्हारा नाम मोहम्मद है। ये है वो केरोसिन जो पूरे देश में फैला हुआ है कि बीजेपी के नेता या एक हिंदू को ही मुसलमान बोलकर मार दे रहा है। इस केरोसिन के बारे में राहुल गांधी ने देश को बताया है। पूरे देश में जहां देखो वहां ये हिंदू मुसलमान, ये करके देश को बर्बाद कर दिया गया है, ये राहुल गांधी कह रहे हैं और बिल्कुल सही कह रहे हैं। और सिर्फ केरोसिन की बात क्यों,
राहुल गांधी ने जो कहा है वो हर मोर्चे पर सरकार को आईना दिखाने का काम किया है, और हमने पढ़ा मीडिया में, बीजेपी के नेताओं को भी सुना कि कैसे राहुल गांधी को बताया जा रहा है कि देश से बाहर देश के खिलाफ। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि बीजेपी अंग्रेजों की तरह बांटो और राज करो वाली नीति पर चल रही है, आप ये कहना चाह रहे हैं ना? हिंदू मुसलमानों को लड़ाओ, तो हिंदू मुसलमानों को लड़ाओ और अपना राज चलाओ, ये कहने का मतलब है ना आपका? पीछे रह गए, मतलब जिस चिंगारी की हिंदू को मुसलमान बोलकर पीट पीट कर मार रहे हैं। ठीक है, हिंदू को मुसलमानों से लड़ाया जा रहा है, मुसलमानों को हिंदुओं से लड़ाया जा रहा है, शैल जी इसका जवाब दीजिए। ये कह रहे उस चिंगारी की बात कर रहे हैं राहुल गांधी, सांप्रदायिकता की आग। प्रतिमा जी देखिए, जहां तक राहुल गांधी की बात है, राहुल गांधी आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से नफरत करते करते आज देश से नफरत करने लगे हैं, और इस ज्यादा उम्मीद भी हम राहुल गांधी जी से कुछ नहीं कर सकते। जिस प्रकार से राहुल गांधी जी, देखिए विदेशी, जिसकी मां खुद एक विदेशी है, उनसे क्या उम्मीद करी जा सकती है? आज वो जिस प्रकार की भाषा बोल रहे हैं, भारत माता, हम तो भारत को माता मानते हैं, आज वो भारत को देश मानने के लिए तैयार नहीं। देश का कॉन्स्टिट्यूशन जो बाबा साहेब अंबेडकर जी के द्वारा बनाया गया, संविधान रचित, आप एक माता का सम्मान नहीं कर पा रहे, विदेशी बता रहे, हिंदुस्तान की बहू को विदेशी बता रहे। प्रतीश जी मैं बात करूं? बोलिए बोलिए बोलिए। ऐसा क्या है जिस प्रकार से आज भारत के अंदर टिप्पणी लीजिए, ऐसा क्या है नाराजगी, बात ही न करेंगे। भारत एक देश है, एक नेशन है, हमारे प्रियम्बल से लेके हमारी जो फंडामेंटल राइट है वहां तक में लिखा है, लेकिन राहुल गांधी आज जिस एक सांसद होने के बावजूद भी बाबा साहेब अम्बेडकर जिस प्रकार से उनकी घृणा कितनी दिखती है बाबा साहेब के प्रति, हमने देखा आज उस समय बाबा जी के द्वारा लिखा गया, अम्बेडकर जी द्वारा संविधान को मानने को तैयार नहीं है। जिस प्रकार से विदेशी, बिल्कुल देखिए इनको दिक्कत होगी, राहुल गांधी लगातार विदेशों में जा जाके भारत का अपमान करते हैं, जिस प्रकार से भारत के प्रति अपमान तब हुआ जब हमारे देश के प्रधानमंत्री ने जाकर के डोनाल्ड ट्रंप के लिए वोट मांगे, देश का अपमान हुआ, देश का अपमान हुआ। लगातार नरेंद्र मोदी जी ने बतौर प्रधानमंत्री विदेश में हमारे विपक्ष की आलोचना की, पूर्ववर्ती सरकारों को गलत ठहराया, हमारे देश की राजनीति को पूरे हिंदू पूरी दुनिया में ऐसा किसी प्रधानमंत्री ने आज तक नहीं। राकेश सिंह जी को बुलाइए, राकेश सिंह जी को बुलाइए स्क्रीन पर, राकेश सिंह जी को बुलाइए स्क्रीन पर। राकेश सिंह जी सिर्फ बीजेपी पर ही नहीं बल्कि आरएसएस पर भी उन्होंने निशाना साधा है कि देश को किस रास्ते पर बीजेपी और लेकर के जा रहे हैं, और वो ये कहते हैं पीएम मोदी सिर्फ अपने मन की करते हैं, किसी के नहीं सुनते। पहली बात तो जितना कुछ चिंतन बैठक हाँ, तो मैं कहूंगा नहीं, उदयपुर हाँ, में जो चिंता बैठक थी उसका जो निष्कर्ष है वो हाँ, कैम्ब्रिज में जाकर वो देते हैं हाँ, और दूसरी बात लोकतंत्र कहां से आप पाकिस्तान की तुलना करते हैं, आप श्रीलंका की तुलना करते हैं, अरे आपको पता होना चाहिए कांग्रेस कह रही है कि हिंदुस्तान श्रीलंका की राह पर जा रहा है। पाकिस्तान में आधे से ज्यादा जब से आजाद हुआ है, जब से बंटवारा हुआ, आधे से ज्यादा सैनिक शासन रहा है और सेना वहां की हुकूमत करती है। अरे लोकतंत्र उस समय खतरे में था, लोकतंत्र उस समय खतरे में था जब आपातकाल लगाकर संविधान में संशोधन किया गया, आपातकाल लगाकर प्रस्तावना बदल दी गई, लोकतंत्र तब खतरे में था। कहां सो रहे थे उस समय? इन्हीं के पुरखे थे, इन्हीं के पूर्वज थे। संविधान की प्रस्तावना बदल दिया, कौन बदला है, किसने बदला, आप बताइए किसने बदला? संविधान की प्रस्तावना किसने बदली? प्रेम कुमार जी पढ़े लिखे बताइए जरा, किसने बताई? क्या हमने आपने बदली? हमारे किसने बदली? किसने आपातकाल लगाकर पूरे लोकतंत्र को कैद में करके बदला गया? कांग्रेसियों ने बदला है, कपिल जी आपके पास भी आऊंगा स्टूडियो में, मारा जा रहा है स्टूडियो में, टेम्परेचर बढ़ चुका है, एसी स्टूडियो में टेम्परेचर बढ़ चुका है। सुभाष राय जी गलत है। जब देश में इमरजेंसी थोप दी गई, उस वक्त देश में लोकतंत्र खतरे में नहीं था। जवाब दे रही है, जब 84 का दंगा हुआ और बयान आता है कि जब कोई बड़ा दरख्त गिरता है तो धरती हिलती है, उस वक्त लोकतंत्र खतरे में नहीं था। उस वक्त कोई देश को हिंदू और सिख में नहीं बांट रहा था। सुभाष राय का जवाब दीजिए, सुभाष राय, एक सेकंड सर, मेरा सवाल सुभाष राय से, मैं आ रहा हूं कपिल जी, आ रहा हूं रोहित जी आपके पास भी आ रहा हूं, सुभाष राय का जवाब दीजिए। प्रत्युष जी, सबसे पहले तो मैं आधुनिक भारत के शिल्पकार, कंप्यूटर मैन, भारत रत्न,
संचार क्रांति के जनक राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि पर उनको सत सत नमन करता हूँ। और अपने सपनों के नए हिंदुस्तान को लेकर मैं बात करना चाहता हूँ। मैंने बड़ी शालीनता से आपको सुना और शायद रोहित जी अगर मैं बोल लूँ उसके बाद तो आपके पास पूरा सर 50-60 मिनट आपका ही है, 2 मिनट मुझे सुन लीजिए। देखिए जो शब्द किरासन, पेट्रोल, ज्वलनशील, लंदन, अमेरिका, 84, 85, 90 जो भी आपका अभी मैंने पैकेज पढ़ा और आपके 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 मतलब आप न्यूज रूम ने जो आर्टिकल लिखा है या जो आपके प्रोड्यूसर्स पीछे से लाइन लगा रहे हैं उन सबके ऊपर मैं दो तीन सर अधिरंजन चौधरी कह रहे हैं आपके नेता, आज ट्वीट किया उन्होंने, शर्म आनी चाहिए, पहले माफी मांगे इसके लिए, पहले देश से माफी मांगे, हजारों सिखों का नरसंहार किया आपने, खतरे में बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान को आपके नेता राहुल गांधी कहते भारत देश नहीं है, प्रेम्बल पड़े होते कभी हमारे फंडामेंटल राहुल गांधी ने तो उसको पता होता कि भारत देश है नहीं है। अबे संविधान को पढ़ा दीजिए राहुल गांधी जी को, ऐसा विदेशी माँ से जन्मे राहुल एंटोनियो माइनो के बेटे क्या उम्मीद करते थे राहुल मुंशी से, अरे 2014 में भी विदेशियों को हराया भारत के लोगों ने, 2019 में भी भारत के लोगों ने विदेशियों को, एक सेकंड रोहित जी एक सेकंड जरा बोलने दीजिए, बोलने दीजिए इनको, नहीं तो बोलेंगे कि भाई हमें वक्त नहीं दिया गया। अभी बता रहे हैं कि प्रोड्यूसर ने जो स्क्रिप्ट लिखी है, काम कीजिए, आइंदा से अगली बार से मैं आप ही से स्क्रिप्ट लिखाऊंगा। सुभाष राय आपकी स्क्रिप्ट चलेगी स्क्रीन पर, आप हमें बताएंगे, चले जवाब दीजिए। मुझे सिर्फ 60 सेकंड चाहिए, उसके बाद आप रोहित जी से और सारे लोग, मैंने 120 सेकंड दिए सर, 120 सेकंड बोलिए आज, 120 सेकंड बोलिए सर, टाइमर लगाइए, फिर टाइमर लगाइए, अरे सर मैं देख रहा हूँ आपके पास भी टाइमर है, 120 सेकंड चलिए बोलिए बोले बोलिए बोला, आधुनिक हिंदुस्तान में जैन समाज के बुजुर्ग को भारतीय जनता पार्टी के नेता ने मध्य प्रदेश के नीमच में यह समझकर मार दिया, जान से मार दिया कि वह मुसलमान है, ये जहर है। जिस तरह से दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जिस तरह से एक छोटा सा ट्वीट लिखने पे या एक फोटो भेजने पे आप एक फिल्म प्रोड्यूसर को अरेस्ट कर लेते हैं वो जहर है, जिस तरह से एक ट्वीट लिखने पे आप दलित प्रोफेसर को रातों रात अरेस्ट कर लेते हैं ये जहर है, जिस तरह से आधुनिक औरंगजेब नरेंद्र मोदी बनारस में हिंदुओं की आस्था पे 300 मंदिर तोड़ डालते हैं, हिंदू समाज अंदर से जला हुआ है, ये जहर है, ये आग लगी हुई है हमारे हृदय में। जिस तरह से महंगाई बेरोजगारी के ऊपर भारतीय जनता पार्टी चुप बैठी है और धर्म रूपी अफीम फैला रही है पूरे देश में, ये जहर है। अगर आज युवा बेरोजगार हो जाएगा सर तो करेगा क्या, सारे संसाधन आप अपने दो चार दोस्तों को बेच देंगे, हर संसाधन में घाटा, नौकरी का पता नहीं, व्यापार का पता नहीं, तेल और गैस आसमान छू रहे, महंगाई पे कोई लगाम नहीं, ये है सर जहर, ये है वो आग जिसका दर्द पूरा हिंदुस्तान आज झेल रहा है। और एक और इम्पोर्टेंट बात, राष्ट्रवादी होने का मतलब है राष्ट्रवादी बनकर दिखाइए, चाइना है आपकी सीमा के ऊपर दो दो टाउन बना गया, नरेंद्र मोदी जी का बयान नहीं आ रहा है, ठीक है क्या नरेंद्र मोदी जी की इंटरनल सुभाष राय जी बड़ी अच्छी बात आपने कही, एक सेकंड सुभाष राय को रखिए स्क्रीन पर, सुभाष राय जी 120 सेकंड, उससे ज्यादा मैंने आपको दिए। आपने कहा कि चाइना हमारी धरती में घुस गया है और जमीन कब्जा लिया है, आपके नेता राहुल गांधी जी, माननीय राहुल गांधी जी, 1 जनवरी को चीन का प्रोपेगेंडा एक वीडियो आता है जिसको यह कहा जाता है गलवान पर चीन के सैनिक घुस आए और वहां पर उन्होंने कब्जा कर लिया है, और वो वीडियो बाद में उनका फेक प्रोपेगेंडा वीडियो साबित होता है, लेकिन बिना जांच किए हुए राहुल गांधी समेत तमाम नेता कहते हैं देख लो चीनी घुस आए अंदर, मोदी जी जवाब दीजिए। तो सर ये कौन सी राष्ट्रभक्ति है आपकी, देशभक्ति है? आप चीन के प्रोपेगेंडा और फेक वीडियो को सच मानते हैं और देश की सेना के प्रमुख को आप झूठा बताते हैं, ये आपका देशप्रेम है, ये आपकी देशभक्ति है? इसका मतलब कांग्रेस सरकार के समय में जितने भी हमारे भारतीय जवानों ने लड़ाई लड़ी, शहादत दी, उस वक्त किसी पार्टी को कहना चाहिए था कि ये सब गलत है, ये सब गलत है, ये झूठा है? जवाब दीजिए सुधांश राय जी। प्रत्युष जी शांत हो, बिल्कुल सही सब, आप सब, अब 2 मिनट आप जवाब सुनो। हाँ बताइए। पहली बात,
जिस चाइना के कॉलोनी का मैं जिक्र कर रहा हूँ, ये पिछले 72 घंटों से हर अखबार सोशल मीडिया पे आप देख रहे हैं। एक मिनट प्रत्युष सुनिए, और एक हफ्ते पहले एक, अरे सर सुनिए सुनिए प्रत्युष जी, मैंने बोला ना कि आपका न्यूज रूम, आपका न्यूज रूम जो लिख रहा है कम से कम आप तो सुन लिया करिए। कपिल जी नहीं, अगर आप सुनेंगे नहीं तो मैं जवाब कपिल श्रीवास्तव जी क्या हिंदुस्तान आज ऐसे मोड़ पर खड़ा है सर, मैं हो जिसमें एक चिंगारी पूरे देश में आग लगा देगी। हाँ। कपिल श्रीवास्तव जी बिल्कुल अगर जिस क्या एक चिंगारी पूरे हिंदुस्तान को तबाह कर देगी, महंगाई ला रहा है जिस तरह से आप हिंदुस्तान के संसाधन को अपने चंद दोस्तों को बेच रहे हैं, क्रोनो कैपिटलिज्म का यही दौर है सर, समझिए। एक सेकंड कपिल श्रीवास्तव को बोले दीजिए। कपिल श्रीवास्तव जी जल्दी से कमेंट। प्रत्युष भाई वही तो चाहते हैं आप लोग। रोहित भाई अब आप सुनिए, मैं ये कह रहा हूं कि एक चिंगारी इस देश को राख कर देगी, ये बात अभी चिंगारी निकलने की हो रही है, लेकिन हकीकत क्या है, इस देश के रोजगार पर आग लगा दी गई, इस देश के भविष्य पर आग लगा दी गई है, इस देश के पब्लिक सेक्टर पर आग लगा दी गई है। ये बताइए ये क्या चीज है, ये सोचिए कि इधर इधर मस्जिद मंदिर करके इन्होंने अंबुज सीमेंट और ये और एसीसी सीमेंट दोनों अदानी को बेच दिया, कहीं कोई बात हो पाई? और ये टप टप बोलने वाले भाजपा के ये पूरे देश भारत का बन रहा है, ये आप पूरे देश को बेवकूफ बना रहे हैं कि नहीं बना रहे? ये पूरे देश को बेवकूफ बना रहे हैं, और ये पूरे देश को बेवकूफ बना रहे हैं, सारे हिंदुस्तानियों को बेवकूफ बना रहे हैं, ये हिंदू समाज को बेवकूफ बना रहे हैं, क्योंकि हिंदू समाज को भी रोजगार चाहिए, इतनी बड़ी महंगाई से निजात चाहिए, और जो जिस तरीके से देश के अंदर कानून व्यवस्था का राज चरमरा चुका है, वहाँ पे सबको शांति में रखा है। जी आपका फोटो जी हिंदुस्तान में हटा दिया है, रूहानी का देश बना दिया है, ये है इनका, इनको अपनी बहू का ख्याल नहीं है, देश के बहू का ख्याल नहीं है, पूछ तो लीजिए राहुल गांधी से, जो भारत को देश मानते हैं, इटली को मानते हैं, भारत को तो देश नहीं मानते, बाबा साहेब अंबेडकर जी के द्वारा बनाया गया संविधान को वो नहीं मानते, प्रेम कुमार जी प्रेम कुमार जी एक एक, एक राहुल गांधी पर एक आरोप ये भी लग रहा है कि जब जब देश में कोई बड़ा मसला या मुद्दा या ऐसी घटनाएं हुई हैं, राहुल गांधी उस वक्त देश में नहीं रह करके विदेश दौरे पर रहे हैं। एक लंबी चौड़ी फेरिस्त है, 2013 से लेकर उत्तराखंड में जब त्रासदी आई थी तब से लेकर किसान आंदोलन तक 2020 तक, कि जब पंजाब हरियाणा से लोग किसान भाई यहाँ पर आ रहे थे, उस वक्त राहुल गांधी को यहाँ पर होना चाहिए था, खुद उनके नेताओं ने भी कहा कि इस वक्त राहुल गांधी को यहाँ पर होना चाहिए था। रिसेंटली हार्दिक पटेल, वो दो तीन लड़के जो गुजरात में कहा जाता है स्पार्क है, वो कांग्रेस में शामिल हुए, और हार्दिक पटेल ये कहते हुए छोड़ते हैं पार्टी, राहुल गांधी को कहते हुए आपको लोकल मुद्दों को लेकर राजनीति में आगे बढ़ना होगा, उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया। आपको नेताओं आपके नेताओं ने लोकल मुद्दों पर बताने की जगह कहां से अच्छा चिकन सैंडविच मिलता होगा ये बताया होगा, ये राहुल गांधी के बारे में उनकी टिप्पणी उनकी राय है। देखिए प्रत्युष जी आपका जो पहला सवाल है वो सवाल है उनके विदेश यात्राओं का, आप कहिएगा निजी दौरा है, अच्छे रहने दीजिए। बिल्कुल नहीं कहेंगे, हम तो कहेंगे कि जब से इस देश में पेगासस आया है सब नेताओं का मूवमेंट्स है, उसमें राहुल गांधी का तो मूवमेंट्स आप बता रहे हैं। हाँ। आप दूसरों का मूवमेंट्स बताइए ना, चैलेंज है, बताइए बीजेपी नेताओं का मूवमेंट्स, कब विदेश जा रहे हैं, कहां क्या कर रहे हैं, किस रेस्टोरेंट में आए, वो नहीं बताया जाएगा। विपक्ष की जासूसी की जा रही है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर आक्रमण है, प्रधानमंत्री का आता है, उनका भी पेगासस में ऐसा कौन सा चीज है जो छुपा रहे हैं राहुल गांधी, क्या करते हैं, क्या करते हैं, किससे बात करते हैं, आप बताइए, आप क्यों पेगासस से डरते हैं, क्यों डरते हैं, क्या ऐसा गलत काम करते हैं आप, इसलिए क्या गलत काम करते हैं वो बताइए, डरते क्यों हैं आप, कि पेगासस संविधान सम्मत नहीं है, संविधान सम्मत नहीं है, कहां आप कहेंगे बोलने की, संविधान सम्मत नहीं है, कंपनीज में बोलेंगे, अदालत जाएंगे, अदालत गए हैं ना, अदालत गए थे ना, कैम्ब्रिज में बोलेंगे, अरे अगर संविधान सम्मत नहीं है तो संविधान सम्मत उसका विरोध करिए, लेकिन आप कहेंगे कि रोशन फैला दिया गया है, चिंगारी लेके डाल रहे हैं, अरे आप जैसे सलाहकारों ने घर पहरा लगा करके 399 लोगों का 399 भाई, तो मुझे एक बात बता दीजिए, मुझे एक बात बता दीजिए सर, एक बात बता दीजिए, हार्दिक पटेल
उन्हें आप नेता मानते हैं नहीं मानते हैं? भाई राहुल गांधी ने तो माना था, प्रियंका गांधी ने माना था, बहुत इज्जत सम्मान के साथ पार्टी में लेकर आए थे। वो कह रहे हैं इनको चिकन सैंडविच ज्यादा पसंद है, पार्टी की चिंता नहीं है। अगर एक लाइन से ज्योतिरादित्य सिंधिया से लेकर के तमाम नेता जितिन प्रसाद से लेकर के आप बोल जी हाँ, बोली, बोली, समझ लिया। हाँ। देखिए हार्दिक पटेल अगर इस्तीफा लिखने के पहले अगर ये बात बोल रहे होते तब मैं बिल्कुल आपके साथ कहता कि कांग्रेस के नेता ये कह रहे हैं, और इस्तीफा देते समय जब वो कह रहे हैं और बाद का गंतव्य सबको पता है कि वो कहा जा रहे हैं, तो ये पता चलता है कि किसके इशारे पर ये लिखा गया। अच्छा, इसके पहले जितिन प्रसाद ने, राहुल गांधी इसके पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस पर सवाल खड़े किए, तब आप क्या कहेंगे इस्तीफे के पहले? वो पार्टी में गलत हो रहा है, पार्टी में गलत हो रहा है, पार्टी का नेतृत्व सीरियस नहीं है। ये G26 कैसे हो गया सर? आपके पार्टी के वरिष्ठ नेता वो बार बार कह रहे एक संगठनात्मक चुनाव आपकी पार्टी नहीं करा पाती सर, कांग्रेस का अध्यक्ष इसका चुनाव नहीं हो पाता सर, संगठन का चुनाव नहीं हो पाता, क्या है विपक्ष पर जो अनैतिक हमला हो रहा है मैं उसके खिलाफ बोलने के लिए बैठा हूँ। कौन कर रहा है हमला? कौन कर रहा है? आप कर रहे हैं, लगी है, कर रहे हैं, अरे चिंगारी लिए तो राहुल लगातार देश से बाहर प्रधानमंत्री कर रहे होते, पाकिस्तान के खिलाफ जाकर के विदेश में घूम घूम कर भाषण देते हैं, थोड़ा पुरानी सरकारों को बुरा भला कहते हैं, का भाषण बड़े पुरानी सरकारों को बुरा भला कहते हैं, देश का नाम छोड़ते हैं, रास्ता कांधे से कहते हैं। ये बहस चलती रहेगी, ये बहस चलती रहेगी। वैसे मैं सुब्रांश जी को, सुब्रांश जी को, प्रेम जी को मैं थोड़ा सा अपडेट कर दूं, शायद इनको पता भी होगा, जानकारी पता होगी। राजस्थान के मुख्यमंत्री के चुनावी रणनीतिकार, उन्होंने कांग्रेस छोड़कर के बीजेपी का दामन थाम लिया है, एक एक करके विकेट गिरते जा रहे हैं कांग्रेस की। सब यही कह रहे हैं कि नेतृत्व सीरियस नहीं है, चिकन सैंडविच की बात खुद हार्दिक पटेल ने भी कह दी। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद तुरंत वापस लौट रहे हैं, जाइएगा। तो आप देख रहे हैं देश को जवाब दो, देश को जवाब दो में बहस में आगे बढ़े, उससे पहले एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। राहुल गांधी को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जवाब दिया है। वो कह रहे हैं कि राहुल को हकीकत का ज्ञान नहीं, राहुल ने विदेश में देश का अपमान किया है, भारत की विदेश नीति अब बदल गई, इसे अहंकार नहीं, इसे कहते हैं आत्मविश्वास। राहुल जी इसे राष्ट्रहित की रक्षा करना कहते हैं, ये विदेश मंत्री ने राहुल गांधी के बारे में कहा है। दरअसल राहुल गांधी ने लंदन में एक कार्यक्रम में, एक सम्मेलन में एक बात कही है, जिसमें उन्होंने कहा कि चिंगारी वाली बात कही है, फिर उन्होंने कहा कि चीन हमारे जमीन पर कब्जा कर रहा है लेकिन सरकार चुपचाप सब कुछ देख रही है। चलिए, तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं सुभ्रांश राय जी आपके पास एक बार फिर से आ रहा हूं। भाई राहुल गांधी ने जो मुद्दे उठाए उस पर बीजेपी जवाब दे रही है, मैं आ रहा हूं रोहित जी आपके पास भी आ रहा हूं, लेकिन खुद कांग्रेस के कई सहयोगियों ने राहुल गांधी पर यह सवाल खड़े किए हैं कि चुनाव के मौके पर या खास मौके पर राहुल गांधी अचानक से गायब हो जाते हैं, 24/7 राजनीति जो बीजेपी करती है वो राहुल गांधी नहीं कर पाते। ये शिवानंद तिवारी जी ने कहा है कि हम बिहार में सरकार बना लेते लेकिन राहुल गांधी को देखिए कोई मतलब ही नहीं था। पीएम मोदी इतनी उम्र के बावजूद न जाने कितनी रैलियां करते हैं लेकिन राहुल जी के पास फुर्सत नहीं। जवाब दीजिए सर। प्रत्यूष जी बहुत अच्छा आपने सवाल किया, हाँ। मुझे एक डेट अचानक आपके सवाल से याद आ गया, 14 फरवरी 2019 उस दिन पुलवामा हुआ था, उस दिन हमारे मां भारती के वीर सपूत शहीद हुए थे, 260 किलो आरडीएक्स कहां से आया था आज तक कोई पेगासस नहीं बता पाया, लेकिन मजेदार बात यह है कि देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। रोहित चाल सुनिए अरे सर एक मिनट सुन लीजिए, अरे रोहित जी सुनिए सर, रोहित सुनिए फिर जवाब दीजिएगा, सुन लीजिए अभी सवाल पूरा नहीं हुआ, एक मिनट बंधु सुन लो मुझे मालूम है, एक मिनट बंधु सुनो, आप प्रत्यूष जी हो गया बस
यही डिबेट था, यही था, हो गया। सुन ले, अभी सुन लो पहले, एक मिनट सुनने के बाद आप अगले आधे घंटे जवाब देना। आप अभी रोहित चाल सुनने के बाद अगले आधे घंटे जवाब देना, पहले सुनो तो बंधु, सुनो 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 सुनो। हेलो हेलो प्रत्युष खरे, प्रत्युष जी क्या हुआ, क्या हुआ? को सवाल भारी रहे, जवाब भारी लग गया आपको, जवाब भारी है। एक मिनट थोड़ा हल्का देता हूँ, शुभ्रांश राय जी, थोड़ा हल्का, थोड़ा शुभ्रांश राय जी, शुभ्रांश राय जी, शुभ्रांश राय जी, मुझे कोई जवाब भारी नहीं लगता और आपको अच्छी तरीके से पता है, आपको अच्छी तरीके से पता है कि प्रत्युष खरे, सुन लीजिए शुभ्रांश राय जी, प्रत्युष खरे बहस धो करके कोई सवाल नहीं करता, ठीक है? मैं बीजेपी से भी, बीजेपी से भी उतनी ही टीके सवाल करता हूँ, इसलिए निजी टीका टिप्पणी नहीं सर। बच्चे शहीद हुए थे, नरेंद्र मोदी कौन से? रोहित भाई एक सेकंड, रोहित भाई एक सेकंड, शुभ्रांश राय को बोलने दीजिए, शुभ्रांश राय को बोलने दीजिए, वरना इनके पास एक ही सवाल होगा कि देख लीजिए एंकर भी बीजेपी का प्रवक्ता बनकर के सवाल कर रहा है। बोलिए शुभ्रांश राय जी, फिर दिया समय, फिर दिया समय, बताइए। ओके खरे जी, चलिए बताइए, आप देश के दर्शकों को बताइए कि 14 फरवरी 2019 को जब माँ भारती के लाले शहीद हुए, पुलवामा हुआ, 260 किलो आरडीएक्स कहाँ से आया, इसका जवाब मोदी जी ने आज तक नहीं दिया। उस दिन नरेंद्र मोदी जी कौन सी फिल्म की शूटिंग कर रहे थे, ये बात आप देश को बताइए और अपने प्रोड्यूसर को बोलिए ये बात रिमाइंड करके क्वेश्चन डाले कि नरेंद्र मोदी जी उस दिन कौन से फिल्म की शूटिंग कर रहे थे, बताइए। भारतीय जनता पार्टी ये बात सही है कि वो 24 घंटे सिर्फ और सिर्फ चुनाव लड़ती है, उसको देश के विकास से कोई नहीं लेना देना, वो सिर्फ और सिर्फ चुनाव लड़ती है, लोगों को तोड़ती है, उसका एकमात्र उद्देश्य चुनाव और राजनीति, उसका उद्देश्य देश सेवा, तो मतलब चुनाव, मतलब इस देश में चुनाव, मतलब इस देश में चुनाव ही प्रतिबंधित हो जाए। शुभ्रांश राय जी, शुभ्रांश राय जी, तब तो इस देश में एक सेकेंड, शुभ्रांश राय जी, शुभ्रांश राय जी, तब तो इस देश में चुनाव बंद हो जाना चाहिए नहीं होता सर, इस देश में चुनाव बंद हो जाना चाहिए। करप्ट गवर्नमेंट होती है उसका रुपया गिरता है। आपके पास मेरे सवाल का जवाब नहीं है सर, आप एक नहीं सर, आप 1000 सवाल पूछिए, आप पीएम से पूछिए, बीजेपी से पूछिए, लेकिन जो सवाल आप पर उठ रहे हैं उसका भी जवाब दे दीजिए सर, कोई भारी नहीं लगेगा आपका जवाब। बोलिए बोलिए सर, मैंने क्या कहा, शिवानंद तिवारी का बयान है, राहुल गांधी को पीएम मोदी से सीखना चाहिए, चुनाव प्रचार राजनीति कैसे होती है, उनको खुद पता नहीं है कि पार्टी किस दिशा में जा रही है, एक एक करके पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता छोड़ते जा रहे हैं, राहुल गांधी को चिकन सैंडविच के अलावा कोई आगे नहीं दिखता। हिम्मत है, बोलिए शुभ्रांश राय जी, आपके अंदर हिम्मत है, आपके चैनल के अंदर हिम्मत है, बोलिए, पूछोगे कि नरेंद्र मोदी जी 14 फरवरी 2019 को आपको रोहित चैर जी कर रहे थे, रोहित चैर जी, रोहित चैर जी, मैं जानना चाहता हूं पुलवामा अटैक पर, पुलवामा अटैक पर पीएम मोदी कहां थे, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए, बता देते आपको वो रही, रोहित चाल को छोड़िए आप ही जवाब दे दीजिए। अरे हमारे माता को, आपके नेता को, भारत को, भारत को देश नहीं मानते, भारतीय के लाल पे शहीद हुए थे, पाकिस्तान के किसी फिल्म की शूटिंग में थे, लिखिए अपने स्क्रीन पे, आपके नेता राहुल गांधी खड़े हुए हो, सोनिया जी आतंकवादियों के लिए क्यों रोती है, अरे पार्टनर हाउस में एनकाउंटर होता है, मोहन चंद शर्मा शहीद होते हैं, उसको आप फर्जी बता रहे थे, आंसू बहाते आतंकवादी के लिए, पाकिस्तान के आपके नेता को, राहुल गांधी को मतलब यही हुआ, अब तो प्रेम कुमार जी यही हुआ कि पुलवामा अटैक, एक सेकंड शुभ्रांश राय जी, आप ही के सवाल को आगे बढ़ा रहा हूँ, पुलवामा अटैक बीजेपी ने करवाया, पुलवामा अटैक मेरे सवाल का जवाब, पुलवामा अटैक बीजेपी ने करवाया, बीजेपी ने मंगवाया, सवाल का जवाब आपके अंदर है तो दीजिए, आपके प्रोड्यूसर के अंदर दम है तो वो दे, आप अपनी स्क्रीन पर चलाइए, 14 फरवरी 2019 नरेंद्र मोदी कहां थे, जो है वो देश है ही नहीं है जिसको आप मानते नहीं, आपके नेता राहुल गांधी तो आग लग जाती, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कह दिया, वो जवान जो हमारे शहीद हुए गलवान घाटी में, वो उस जगह पर अभी भी चीन का कब्जा है, हमने स्ट्रेटेजिक यानी कि सेना झूठ बोल रही है, यानी सेना झूठ बोल रही है, सेना झूठ बोल रही है, आप बुलवाया जा रहा है, सेना से बुलवाया जा रहा है, आज भी कब्जा है, सेना से बुलवाइए कि सेना नहीं, सेना सरकार का हिस्सा होती है, गलवान घाटी का फेक वीडियो दिखाया जाता है, चीन का प्रोपेगेंडा वीडियो, उस पर आपको यकीन हो जाता है, भारतीय सेना पर नहीं, सेना हमारे
मंत्रालय से बाहर किया गया है। जा नहीं सकता, कोई एजेंसी नहीं जा सकती। सूचना आपको कहां से मिल रही है? अपने सूचना कहां से मिल रही है? राहुल गांधी को सूचना कहां से मिल रही है? उस बॉर्डर पर तो कोई जा नहीं सकता है। आप जाते हैं क्या? आप जाते हैं क्या? चीन से रिश्ता है, चीन से रिश्ता है, चीन से रिश्ता है। अरे ये एक इंच जमीन, आप तो सवाल करते हैं, आप पहले रोड पर सवाल करते हैं। आपकी नियत यही है हमेशा आप देश को नीचा दिखाने का काम करते हैं। एक सेकंड, मुझे लगता है एक सेकंड सर सुन तो लीजिए। रोहित चहल जी को बुलाइए स्क्रीन पर। रोहित चहल जी 19 मई 2015 कई अखबारों में भी आपको मिल जाएगी, जो बार बार आरोप लग रहा है कि विदेशी धरती पर जाकर राहुल गांधी ने देश का अपमान किया, देश के बारे में क्या क्या नहीं कह दिया। एक आरोप पीएम पर भी लगा और कांग्रेस ने लगाया और ट्विटर पर इसको लेकर लोगों ने कई तरह की बातें की। पीएम मोदी का चीन और दक्षिण कोरिया दौरा, अब प्रवासी भारतीयों के बीच में पीएम नरेंद्र मोदी यह कहते हैं पहले लोग भारतीय होने पर शर्म करते थे लेकिन अब आपको देश का प्रतिनिधित्व करते हुए गर्व होता है। पिछले साल विदेशों में रह रहे भारतीयों ने सरकार के बदलने की उम्मीद की थी। कई लोगों ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री यह कह रहे हैं कि पहले लोगों को भारतीय होने पर शर्म महसूस होती थी, ये देश के प्रधानमंत्री कहते हैं विदेश में जाकर के। सबसे पहले तो जो प्रेम जी ने कहा ना भारतीय सैनिकों का सवाल था गलवान के ऊपर, उसका मैंने मेरे सवाल का जवाब दीजिए। सुनिए जरा, शुभराज राय सुनिए, मैं बीजेपी से भी उसी दम पर सीना ठोक के सवाल करता हूं। मैंने पूछा सवाल, जवाब दीजिए। रोहित चहल जो सवाल आप नहीं कर पाए वो सवाल मैं कर रहा हूँ। रोहित चहल जवाब दीजिए, क्या वो देश का अपमान नहीं है? क्या वो देश का अपमान नहीं है? जवाब दीजिए रोहित चहल भाई, जल्दी से जवाब दीजिए। पल रहे हैं गलवान के अंदर भारतीय सैनिकों ने, जो हमारे बलवान थे उन्होंने चीन सैनिकों की गर्दनें तोड़ी है। तो पहले तो चीन की जो यहाँ पे चीन का जो मुखबल बैठे है ना यहाँ पे, चीन के यहाँ पे बहुत चीज बन के बैठे हो, चीन के जो बात नहीं करते आपके नेता वो बंद कर दीजिए। चीन की गर्दनें तोड़ी है चीनियों की, सवाल कर लिया जाए। पीएम का एक और भाषण है 2015 टोरंटो में, वो कांग्रेस का नाम नहीं लेते लेकिन कहते हैं कि जिनको गंदगी खत्म करनी थी गंदगी करके चले गए, हम सफाई करने जाएंगे, पिछले 60 सालों की धूल हम साफ करेंगे, पुरानी गंदगी है इसको हम साफ करेंगे। कई लोगों ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी भी विदेश जाते थे लेकिन जब उनसे कहा गया कि भैया कांग्रेस के बारे में बताइए क्या आपकी राय, तो उन्होंने कहा इस बारे में मैं विदेशी धरती पर नहीं बात करूंगा, ये घर का मामला है, मैं घर पर इसका जवाब दूंगा। तो इस राजनीति की शुरुआत किसने और कैसे करी? विदेशी धरती पर जाकर के देश की राजनीति के बारे में बात करना, जवाब दीजिए राकेश सिंह जी। जब आप गरिमा बोध से भरते हैं, जब आप आक्रामक होते हैं, जब नीतियां बदलती हैं, विदेश नीतियां बदलती हैं, हाँ। जब आप गिड़गिड़ाते नहीं, आंखों में आंखें डालकर बात करते हैं, तब बोला जाता है कि आपने हाँ। क्या किया आपने, आपको बताना पड़ेगा कि हाँ। नेहरू के समय से जो नीतियां चली आई हैं, आज सुरक्षा परिषद का सदस्य अगर कोई है तो उसको जवाब कांग्रेस को देना पड़ेगा। आज मानसरोवर चीन के कब्जे में है तो कांग्रेस को जवाब देना पड़ेगा। लेकिन आज आज पुलवामा होता है, उरी होता है, तो सर्जिकल स्ट्राइक भी होता है, बालाकोट होता है। विदेशी धरती पर जाकर के नेताओं का आचरण कैसा होना चाहिए जरा मुझे बता दीजिए। विश्वास का प्रतीक है प्रत्युष जी, कपिल श्रीवास्तव जी, विदेशी धरती पर जाकर के नेताओं का आचरण कैसा होना चाहिए, चाहे वो पक्ष का हो या विपक्ष का हो या किसी पद पर आसीन हो? जैसे पहले श्रीमती इंदिरा गांधी का होता था, नेहरू जी का होता था, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी का होता था, ये आदर्श माने जाते हैं इंडियन पॉलिटिक्स। चीन दे दिया और ये चाहते वैसा ही हो जाए, और ये नया भारत होने नहीं होता था। अरे गलवानी में अगर चीनी आता तो उसका जरूरत होती थी, वहां उसकी गद्दार अगर बिहारी वाजपेयी को बना देते तो चीन नहीं है। मैं अल्लाह का वादा करने वाले भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख का ये नहीं आता है। भारत अब तक भी नहीं सही बोला, इसने देखी थी बात का जवाब नहीं दिया। मेरे आदमी से मानने के लिए पड़ता है, मेरे वाले मित्र पड़ता है कि दूसरे का बात ना करने पड़ती है। जितने
सामने आ रही है, देश भर में पेट्रोल डीजल सस्ता हुआ, इस वक्त एक बड़ी खबर। बार बार महंगाई की बात हो रही थी, बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, पेट्रोल और डीजल की कीमत में कमी हुई है। पेट्रोल 9.50 रुपए और डीजल की कीमत 7 रुपए कम हुई है, इस वक्त बहुत बड़ी खबर। घरेलू गैस सिलेंडर पर 200 रुपए की सब्सिडी, इस वक्त बहुत बड़ी खबर। और देखिए डिबेट में भी ये बात सवाल उठी कि भाई महंगाई पर सरकार का कोई फोकस नहीं है, कोई इस पर सवाल नहीं किया जाता। और इस वक्त ये बहुत बड़ी खबर सामने है, पेट्रोल 9.50 रुपए डीजल 7 रुपए सस्ता हुआ है, ये बड़ी खबर इस वक्त। जो बार बार महंगाई एक बड़ा मुद्दा देश भर में बना हुआ है कि कब इससे राहत मिलेगी, खासतौर पर पेट्रोल डीजल को लेकर कई सारे सवाल खड़े होते रहे, इस वक्त ये बड़ी खबर आ रही है कि लोगों को एक बहुत बड़ी राहत इस वक्त मिली है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में सिर्फ 1-2 रुपए नहीं बल्कि 9.5 रुपए पेट्रोल प्रति लीटर सस्ता हुआ है और डीजल 7 रुपए प्रति लीटर सस्ता हुआ है। तो इस वक्त ये बड़ी खबर, देश भर में पेट्रोल डीजल की कीमतों में ये भारी कमी की गई है। मैं जल्दी से एक रिएक्शन भी ले लूंगा प्रेम जी, जल्दी से रिएक्शन। ये 1-2 रुपए की कमी नहीं है सर, 9.5 रुपए ये वेलकम करने लायक डिसीजन है। हाँ, स्वागत करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ हाँ, ये बोलना भी होगा कि ये 28.5 लाख करोड़ रुपया जो तुमने लूटा है हाँ, जनता को वापस करो। इस देश में जो लगातार हर रोज जो आप महंगाई बढ़ा रहे थे, पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ा रहे थे और कह रहे थे कि अंतरराष्ट्रीय सिचुएशन है, आज भी इंटरनेशनल सिचुएशन वही है, लेकिन आज आपने कम किया, हंगामा किया। कैम्ब्रिज के बयान का असर है, ये भी बता दीजिए कि जनता की जीत है, कैम्ब्रिज के बयान का असर है, ये भी बताइए। आपने माना, अच्छी बात है, अच्छी बात है, विपक्ष की जीत है। सरकार को आईना दिखाने का काम विपक्ष का ही है, विपक्ष कह रहा है कि ये हमारी जीत है। खैर, जीत किसकी, जीत किसकी हार, लेकिन लोगों को इससे एक बड़ी राहत मिली है क्योंकि 30-30 पैसे 40-40 पैसे करके हर दिन पेट्रोल डीजल के दामों में इजाफा होता है। सरकार ने 9.5 रुपए पेट्रोल में और 7 रुपए डीजल में कम किए हैं। हालांकि लोग कह रहे हैं कि इससे भी आगे बढ़ करके सरकार को कुछ दिनों में और राहत देनी चाहिए, जो 20-25 से 28 रुपए का इजाफा हुआ है वो वापस आ जाए उसी रेट में। बहुत बहुत शुक्रिया सभी का देश को जवाब दो में शामिल होने के लिए। छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए जी हिंदुस्तान।